अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मैम बिस्मा। ठीक है, हमारा जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमारे पास जो है कुछ टॉपिक रह गए थे फाइलम हेमिकोंडाटा के। ठीक है, कुछ हमने इसकी करेक्टरिस्टिक जो है थी वो कुछ पढ़नी थी डिटेल में। नर्वस सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना था, ठीक है, और ब्लड के बारे में पढ़ना था। तो अब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। हेमिकोंडाटा का जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है? एक्टोडर्मल। ठीक है, ये बेसिकली एक्टोडर्मल होते हैं, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है ओरिजिन में। ठीक है, डोर्सल और वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होते हैं और नर्व फ्लेक्सेस होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो डोर्सल नर्व होती है वो हमारे पास एक बड़ी सारी यानी कि बहुत बड़ी जो जॉइंट नर्व फाइबर बनाती है जो कि हमारे पास क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सिस को। ठीक है, इसका जो नर्वस सिस्टम है वो इस तरीके से है कि बेसिकली इसमें हमारे पास डोर्सल नर्व और वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है और नर्व फ्लेक्सेस होती हैं। ठीक है, हमारे पास जो डोर्सल नर्व होती है उसने एक जाल बनाना होता है नर्व फाइबर्स का। ठीक है, ठीक है, हमारे पास वो क्या करता है कि ट्रांसमिट करता है इम्पल्सिस को। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ इंटरोपनोस्टिल्स एक्टोडर्मल इन ऑरिजन। वही बात आ गई, एक्टोडर्मल होता है, इट लाइज एट द बेस ऑफ सिलिएटेड एपिडर्मल्स। सिलिएटेड एपिडर्मल्स के जो हैं वो बेस पे होते हैं। ठीक है, बेस पर प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डोर्सल वेंट्रल नर्व ट्रैक्स एंड अ नर्व प्लेक्सस। बेसिकली थ्री चीज़ें इसकी जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो है डोर्सल नर्व, वेंट्रल नर्व ट्रैक्स और नर्व प्लेक्सस। इन सम स्पीशीज द डोर्सल नर्व इज ट्यूबुलर। डोर्सल नर्व ट्यूबुलर होती है और वो क्या करती है, इट कंटेन्स अ नर्व जॉइंट नर्व फाइबर्स यानी कि एक जाल सा होता है। दीज फाइबर्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सिस रैपिडली। देयर आर नो मेजर गैंग्लिया। गैंग्लिया नहीं प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है, मेजर गैंग्लिया नहीं होते, वही नर्व फाइबर्स ही होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है इम्पल्सिस को। ठीक है, बेसिकली यही हमारे पास जो है ये फाइबर्स जो हैं वही इम्पल्सिस के जरिए यानी कि मैसेज को आगे कन्वे करते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स आर अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी बॉडी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होते हैं सेंसरी जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, पर अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं होते। ठीक है, नर्वस सिस्टम में बेसिकली जो बातें थी वो मैंने आपको अच्छे राइट डाउन भी करवाई हैं, वो आप साथ साथ राइट डाउन रखें, मेन पॉइंट्स हैं वो। ठीक है, उनको माइंड में अच्छे तरीके से रखना है आपने। ठीक है, अब हम आते हैं रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन पर। ठीक है, बेसिकली जो रेस्पायरेशन होती है और एक्सक्रीशन होती है अकॉर्न वर्म में वो डिफ्यूजन के जरिए होती है। ठीक है, जो ज़्यादातर जो अमल है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है, गैसेस का एक्सचेंज होना यानी कि। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट का भी जो डिफ्यूजन के जरिए हमारे पास जो है सारा काम होता है। ठीक है, ज़्यादा हमारे पास जो है डिफ्यूजन वाला जो है वो प्रोसेस होता है। रेस्पायरेशन किसके ज़रिए होती है? सीलिया के ज़रिए होती है। ठीक है, वेस्ट ये जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो रही होती हैं डिफ्यूजन के ज़रिए बिटवीन दी वाटर एंड ब्लड साइनसिस। और एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है उसमें भी ऐसे ही होता है कि डिफ्यूजन जो होती है वो होती है बॉडी वॉल के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिससे वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से आउट होते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट इसमें हमारे पास क्या होता है? अमोनिया होता है। अब हम इसकी जो है वो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये मेन पॉइंट्स थे कि हमारे पास मेन जो चीज़ थी वो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है। ठीक है, और रेस्पिरेशन में सीलिया जो है वो बॉडी के ऊपर जो फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं उसके ज़रिए हमारे पास जो है वो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, वही बात आगे डिफ्यूजन के जरिए होती है। अकॉर्न वर्म स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। देयर फॉर रेस्पायरेटरी गैसेज एंड मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बॉडी वाल जो हमारी बॉडी के ऊपर जो अकॉर्न वर्म की जो है बॉडी के ऊपर जो वाल प्रेजेंट होती है उसी के जरिए डिफ्यूजन हो जाती है जिससे हमारे पास दोनों प्रोसेस जो हैं वो हो जाते हैं। देयर वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। वही बात आ गई, रेस्पायरेटरी गैसेज आर एक्सचेंज एट फेरेंजियल स्लिट्स। रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं जो यानी कि इसके लिए ज़रूरी होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो हमारे पास एक्सचेंज होती हैं फेरेंजियल स्लिट्स के जरिए, और सीलिया उसके साथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं फेरेंजियल स्लिट्स के जरिए जो कि हमारे पास हेल्प करते हैं बेसिकली सर्कुलेट कर रहे होते हैं वाटर को इनटू द माउथ एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द फेरेंजियल स्लिट्स। यानी कि सीलिया का जो बेसिकली काम है वो यही है कि वाटर को अंदर लेके जाना और वाटर का आउट करना, यानी कि सीलिया के जरिए समझो गैसेज जो हैं वो अंदर जा रही हैं और आउट
बाहर आ रही हैं। वाटर पास थ्रू दिस फरेंजियल स्लिट्स, उन फरेंजियल स्लिट्स से जो वाटर जो है पास जब करता है तो हमारे पास गैसेस का जो है वो डिफ्यूजन के जरिए एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, बिटवीन दी वाटर एंड ब्लड साइनसेस। दिस साइनसेस सराउंड दी फेरिनेक्स। बेसिकली वही बात है कि हमारे पास अकॉर्न वर्म की जो बॉडी है उसके ऊपर बॉडी वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसी के जरिए डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अब रेस्पायरेशन इसमें कैसे है कि हमारे पास रेस्पायरेशन सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड होते हैं फेरिंजियल स्लिट्स के जरिए, यानी कि उन्हीं के साथ जुड़े होते हैं फेरिंजियल स्लिट्स के जरिए के साथ जो है वो सीलिया जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। सीलिया का काम क्या होता है कि वाटर को अंदर लेके आना, वाटर को बाहर लेके आना, और फिर क्या होता है कि जो वाटर अंदर आते हैं, जो वाटर हमारे पास माउथ के जरिए अंदर आ रहा होता है वो फेरिंजियल स्लिट्स से टकराता है, वहाँ पर क्या होता है कि गैसेस का जो तबादला होता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी कि जो हमारे पास ब्लड और जो वाटर है उसके दरमियान में गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास रेस्पायरेशन का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। अकॉर्न वर्म्स का जो ब्लड सर्कुलर, यानी कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है वो हमारे पास कंसिस्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन डोर्सल एंड वन वेंट्रल कंट्रैक्टाइल वेसल, ठीक है। हमारे पास कंट्रैक्टाइल वेसल्स होती हैं, ठीक है, और इसका जो ब्लड यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ब्लड जो है वो मूव करता है इंटीरियरली इन द डोर्सल वेसल, बट इट मूव्स पोस्टीरियरली इन द वेंट्रल वेसल, यानी कि एंटीरियरली भी हमारे पास जो है वो डोर्सल वेसल की तरफ भी जाता है, फिर पोस्टीरियरली जाता है, ठीक है। हमारे पास जो ब्लड होता है वो क्या होता है कि ब्रांचेस फ्रॉम दीज वेसल एंटर इन टू दी ओपन साइनस। ओपन साइनस यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ठीक है। ऑल ब्लड फ्लोइंग एंटीरियरली पासिस इन टू आर सीरीज ऑफ ब्लड साइनस कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। हम इसके बेसिक पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि हमारे पास ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर होता क्या है कि डोर्सल और वेंट्रल कंट्रैक्टाइल वेसल होती हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके कॉर्न वर्म के अंदर, वो क्या होता है, क्लस्टर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्लस्टर होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स का, ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है और इसका काम क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मेन जो है ग्लोमेरुलस का काम है, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ प्रोबोसिस, ठीक है। ऑल ब्लड फ्लोइंग एंटीरियरली पासिस इनटू अ सीरीज ऑफ ब्लड साइनसेस, ये बेसिकली सीरीज ऑफ ब्लड साइनसेस होती हैं, वो एक क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है प्रोबोसिस के बेस के ऊपर, यानी कि बेस पर प्रेजेंट है। इसमें जो है हमारे पास ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो कॉर्न वर्म का है उसके अंदर जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस के जरिए हमारे पास जितना भी ब्लड होता है वो एंटीरियरली पासिस होता है, ठीक है, और इस जो ब्लड साइनसेस है क्लस्टर ऑफ यानी कि ब्लड वेसल जो है वहाँ पर हमारे पास जो है ये यानी कि ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है। वही हमने पढ़ा है इसके बारे में ग्लोमेरुलस, ये हमारे पास क्लस्टर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल है। अब हम यानी कि पढ़ते हैं एक्सक्रेटरी वेस्ट और आल्सो फिल्टर थ्रू दी ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम फिल्टर करना भी है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड सारा जो है हमारे पास फ्लो कर रहा होता है, दिस वेस्ट आर फिल्टर्ड इनटू अ कोलोम ऑफ प्रोबोसिस, दीज आर रिलीज्ड टू द आउटसाइड थ्रू वन और टू पोर्स इन द वॉल ऑफ प्रोबोसिस। द ब्लड ऑफ अकॉर्न वर्म इज कलरलेस, कलरलेस है, इट लैक्स सेलुलर एलिमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास सेलुलर यानी कि सेलुलर एलिमेंट्स जो हैं वो सेल के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि ब्लड जो है वो कलरलेस है, उसके अंदर मेन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, इसका जो ब्लड है उसने क्या करना होता है, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब बात आ जाती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड डिवेलपमेंट ऑफ अकॉर्न वर्म। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास बेसिकली अकॉर्न वर्म जो होते हैं डायोशियस होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन का जब हमारे पास प्रोसेस होता है, ठीक है, जब मेल और फीमेल का जो फर्टिलाइजेशन हमारे पास प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वो उससे वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल होता है, और उसमें क्या होता है, स्पामिंग होती है। स्पामिंग का मीनिंग होता है अंडे देना, ठीक है। जब फीमेल एक फीमेल जो है वो अंडे देती है तो फिर उससे क्या होता है, फेरोमोन्स जो हैं वो पास होते हैं, उससे क्या होता है, दूसरी फीमेल जो हैं
उनको भी सिग्नल मिलता है, वो भी जो है वो अंडे देती हैं। और अंडे देने से हमारे पास क्या है, अंडा जब अंडे ये देती हैं तो उससे सिलेटेड लार्वा बनता है जिसे हम टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट वाइज भी आ जाता है, एमसीक्यूज वाइज भी आ जाता है कि व्हाट इज़ टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन जो कॉर्नवर्म की है वो किसके ज़रिए होती है, उसमें क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं, वही बात आ गई कि एंटेरोपरस्ट जो हैं, कॉर्नवर्म जो हैं, डाइशियस हैं। टू रोज ऑफ गोनेट्स लाई इन द बॉडी वॉल इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक, ठीक है। हमारे पास जो बॉडी वॉल है उसके इंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक पर हमारे पास जो है टू रो होती हैं गोनेट्स की, ईच गोनेट ओपन सेपरेटली टू द आउटसाइड, यानी कि ओपन होता है आउटसाइड की तरफ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल होती है जिसकी वजह से क्या होता है, स्पामिंग होती है अंडों की। वन वॉर्म इंड्यूसेस अदर वॉर्म टू स्पाम, वही बात आ गई कि एक कॉर्नवर्म जो है फीमेल जो वो हमारे पास क्या करेगी, दूसरे को क्या करेगी, वो सिग्नल देगी जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो दूसरे भी जो हैं वो अंडे देंगे। दिस बिहेवियर इज कंट्रोल बाय स्पामिंग फेरोमोन्स, फेरोमोन्स के जरिए ऐसा होता है। दे प्रोड्यूस लेटेड लार्वा कॉल्ड टॉर्नेरिया लार्वा, इट स्विम्स इन टू द प्लैंकटन of for several days to a few weeks, the larva settle to the substrate, ठीक है। ये प्लैंकटन के जरिए जो है वो ये जो प्लैंकटन होता है, आपको पता है कि ये फ्री जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट मटेरियल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। फॉर सेवरल डेज टू अ फ्यू वीक्स द लार्वा सेटल टू द सबस्ट्रेट, सेटल हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ, इट ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू अ अडल्ट फॉर्म, ठीक है। वह अडल्ट में ये चेंज हो जाता है लार्वा। होप्सो आपको फाइलम हेमिकोर्डाटा के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके सारे जो करैक्टरिस्टिक थे उनको हमने डिटेल से भी पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कोर्डाटा के बारे में होगा, ठीक है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर जो वीडियो है टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सारे लेक्चर्स जो हैं आपको डिटेल से मिलेंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।